ब्यावर के जिले बनने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने अपनी खुशी जाहिर की है और चांगेट पर आकर अपने समर्थकों के साथ में आतिशबाजी की। इसी को लेकर अन्य संगठनों ने भी अपनी आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाइयां प्रेषित की। देखिए साहब, ब्यावर जिला बनना ब्यावर क्षेत्रवासियों के लिए एक सौभाग्य का है, लेकिन सभी वर्कर के मैं मानता हूँ कि ये बहुत लंबी मांग 70 साल से चली आ रही है। ब्यावर के लिए इतनी देरी हुई उसके लिए भी ब्यावर की जनता का धैर्य टूट रहा था, लेकिन आज उस बात के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज लगा कि ब्यावर जिला बन गया। मैं इस मौके पर ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के और 8 जो इसमें जिले में क्षेत्र शामिल हो रहा है उन जनप्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और उन सबके और ब्यावर क्षेत्र की आम जनता की ये बदौलत ये ब्यावर जिला बना है। ब्यावर के सारे जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हैं, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रधान साहब, हमारे सारे पार्षदगण और हमारे सारे सरपंचगण, शिक्षकगण और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और मैं पार्टी से भी नहीं आम जनता को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ, सबका सहयोग रहा जो इस जब जब भी ब्यावर जिले की मांग उठी उन सबकी बदौलत और विशेष करके चांगेट पर जितने भी जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको मैं विशेष करके बधाई दूंगा कि उनकी वजह से ये आज यहाँ जगह भी मिली और निश्चित तौर के ऊपर उन्होंने पूरा इसमें बढ़ चढ़ करके और मीडिया को भी विशेष बधाई दूंगा कि जितने भी जो मीडिया के भाई हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और ब्यावर जिला बने ये उनकी हार्दिक इच्छा थी, ये आज पूरी हुई है। मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामना देता हूँ। निश्चित तौर के ऊपर ये हमारी महत्वपूर्ण मांग पूरी हुई है। अब कई कुछ लोग कांग्रेस के भाई इसमें अनावश्यक उसको बात को टोन देने के लिए कोई बातें कर रहे हैं, तो आम जनता सब जानती है कि घोषणा होना ये कोई हमारी कांग्रेस में सरकार है भाई, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। आप दिमाग से कहीं बात निकालें के साथ उन्होंने निकाल दिया, ये तो ठीक है भाजपा की सरकार थी हमारी वसुंधरा जी की, उस समय में भी जिले बनने का था लेकिन उन्होंने परमिशन कमेटी बनी हुई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उस कारण से उस टाइम जिले नहीं बन पाए और अभी इन्होंने जिले का काम हाथ में लिया है तो भी हो सकता है, मुझे डाउट था कि वो जिले बनाए या नहीं बनाए, मन में थी। मैंने परमिशन कमेटी की रिपोर्ट को आने ऑफिशियल मेरे पास में ले ली, ब्यावर के जिले बन रहे थे उस जिले में मैंने अभी राम लोबाया कमेटी नहीं बनाई है, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हो सकता है राम लोबाया जी के कारण ये ब्यावर का नंबर ले नहीं ले, ये भाजपा कांग्रेसीकरण नहीं हो जाए तो हमारा ब्यावर जिला नहीं रह जाए, उसके लिए मैंने राम लोबाया जी के पास में हमारा डॉक्यूमेंट सारा दिया। उस समय में भी मैंने कहा था, मैं कहा राम लोबाया जी ब्यावर जिला के भाजपा कांग्रेस के झगड़े में रह नहीं जाए, ये आप केकड़ी को बनाने की इनका मंशा है, अगर केकड़ी को और मसूदार ये सारे मिलाकर कर देंगे तो ब्यावर जिला कैसे बन पाएगा, इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि परमिशन कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास में है, ये कॉपी आप लीजिए। तो एकदम चमक गया, मेरी बात को सुनकर ये रिपोर्ट आपके पास में कैसे आ गई, मैंने कहा मेरे पास में है कॉपी की, ये तो मेरे को दे दो, मैं भी ये लो, मेरे पास 15-20 कॉपी और कराई हुई घर पर पड़ी है, ये कैसे हो गया। मैंने कहा उसके बाद में दूसरे दिन मैंने विधानसभा चल रही थी उसमें भी मैंने घोषणा की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ब्यावर जिला छोड़ करके अन्य जिलों में आपने घोषणा कर दी तो राजस्थान में आपका एक भी जिला नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ब्यावर जिले की गारंटी नहीं है लेकिन आपका एक भी जिला नहीं होने दूंगा इसकी गारंटी, क्यों कि राम लोबाया परमेश्वर कमेटी आपने बनाई और परमेश्वर कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास, उस रिपोर्ट को मैंने वहाँ सार्वजनिक की तो इनको भी लगा कि अगर ब्यावर का नाम वास्तव में अगर हटाया गया तो विवाद हो सकता है, कोर्ट से स्टे आ सकता है, कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुले है, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं है, भाजपा के लिए भी खुला है, तो निश्चित तौर पर ऊपर स्टे ला करके देते और ये सारे जिले इनके अटका देता है, इसलिए इनको भी इंडिकेटर चालू हो गया था कि ब्यावर को एक जिले को बनाने में फायदा है और सारे लोगों को कह दिया आप जाओ कोई आंदोलन करो कुछ करो। अब जहां तक विभागों की बात है सर, विभाग जिस तरह से आने, फिर भी मैं अपनी तरफ से उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन प्रोटोकॉल पूरे हो चुके थे और मजबूरी में भाजपा शासन में ये काम किसी कारणवश नहीं हुआ। अभी MLA साहब के अथक प्रयास और जनता के सहयोग से ब्यावर जिला बन गया। ब्यावर वासियों को सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यावर के आसपास के क्षेत्र लोगों ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपने एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। ब्यावर की जिला बनने के साथ ही अब ये देखना होगा कि आखिर में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कब बैठते हैं, लेकिन ब्यावर के जिला घोषणा के साथ ही प्रभारी मंत्री अर्चना शर्मा कल ब्यावर आएंगी और ब्यावर की जिला बनने के साथ ही वो यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ इसी की विधिवत शुरुआत करेंगी। ब्यावर से भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णुदत्त धीमान।